ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज हम आपको एक सफाई कर्मी की सुरीली आवाज़ सुनाएंगे जिसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसी तरह आपने लता मंगेशकर की आवाज़ में गाना गाने वाली महिला रानू मंडल को सारी दुनिया ने सुना और अब रेलवे स्टेशन से गाने गाने वाली महिला रानू मंडल रियलिटी शो सारेगामापा तक का सफ़र तय कर चुकी है। लोगों ने इन्हें दूसरी लता मंगेशकर बता रहे हैं। एक प्यार का नगमा है इस गाने से ये महिला रातों रात सुपरस्टार बन गई और इस महिला ने यानी रानू मंडल को अब मंच भी मिल चुका है और अब इनकी आवाज़ सारी दुनिया सुनेगी। मगर हमारे देश में और भी ऐसे लोग हैं जो गरीबी की वजह से अपने हुनर को सबके सामने नहीं रख सकते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जो नुसरत फतेह अली खान का गाया हुआ गाना मेरे रश के कमर। ये गाना इंदौर के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करने वाले एक सफाई कर्मी ने गाया है। हम आपको उस सफाई कर्मी का वायरल वीडियो दिखाते हैं कि किस तरह इस सफाई कर्मी ने अपनी सुरीली अंदाज में मेरे रश के कमर गाने को गाया है। क्यों ब्रदर, हमने सुना कि आप बहुत अच्छा गाना गाते हो। जरा एक बार सुनाना यार, कोई भी गाने एक सुनाना। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे वो खाई मजा गया मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा गया, जोश ही जोश में मेरी आगोश में आके तू जो समाई मजा गया। बहुत बढ़िया, आप इतना अच्छा गाते हो, आप आगे क्यों नहीं बढ़ते इस फील्ड में। अपनी स्थिति, हम लोगों की स्थिति थोड़ी ऐसी है ना भाई, क्या करें, जल्दी उतनी मिल नहीं पाती है फिर। अच्छा, मतलब आप पैसों की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते, पैसों की वजह से। तो आप सिखाने वाला भी नहीं है। अच्छा, तो आप आज में पैसे देने के लिए भी इतना है नहीं कि अब फीस भर सके क्लास में। तो आप इस सिंगिंग मतलब आगे कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, है ना। मेरा सपना है इंडियन आइडल क्लास तक, इंडियन आइडल तक जाने का। अच्छा, इंडियन आइडल जैसे बड़े शो में आप। मंच नहीं मिल पा रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको वीडियो यूट्यूब पे डालेंगे और देखेंगे कि पब्लिक का क्या रिस्पांस मिलता है। आशा करते हैं पब्लिक की तरफ से आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा और लोग आपको पसंद करेंगे, सपोर्ट करेंगे, जिससे आप बहुत आगे तक जाओ, हम यही चाहते हैं। तो आपने सुना, एक से एक आवाज़ के जादूगर हमारे देश में मौजूद हैं, बस उन्हें मंच नहीं मिलता है जिसकी वजह से अपने हुनर को वो सबके सामने नहीं रख पाते हैं। उम्मीद करते हैं कि रानू मंडल की तरह इन्हें भी मंच मिलेगी। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।